नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ पानी भरता है घर में, तो घर में पानी घुस जाता है हम लोग, पर कोई यहाँ की नाली कोई साफ करता ही नहीं, ना कोई आता है। नालियों का कूड़ा देखो, अभी पानी बिल्कुल आ नहीं रहा झुग्गियों के अंदर, ना कोई बच्चा खेल पा रहा गलियों में, पानी भरा हुआ है, हम खेल नहीं पाते, गंदगी आएगी, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, मच्छर अच्छा लगता है। चुनाव आते हैं तो सबको हाथ जोड़ता है, चुनाव जीत जाते हैं सब भूल जाते हैं, वादा कर कर हम ये करेंगे वो करेंगे फलान करेंगे, अब कुछ नहीं करते, सब खा पी के बैठ जाते हैं। नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, लेटरिन गंदियाँ पड़ी हुई हैं, कहाँ जाएं, रोड पर थोड़ी लेटरिन करने जाएंगे, लेडीज नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते। यहाँ की पुलिस ऐसी है, बिना किसी मतलब की गलती के या बिना किसी कांड के पुलिस वाले यहाँ पे उठा रहे हैं। कर्मचारी काम नहीं करते हैं, मनमाना करते हैं, मन में आए तो कर लेना, आए में तो छोड़ दे। सफाई कर्मचारी है, उनको साफ करने के कहो तो उल्टा बहस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। हम लोग मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा टीवी टावर की झुग्गियों में, और झुग्गियों की जो हालत है जर्जर हालात है। इन जर्जर हालातों में लोगों के घरों में जो पानी आ रहा है उस पानी में बदबू है, उस पानी का रंग काला है, और इसके अलावा हम आपको दिखाएं यहाँ की जो नालियाँ हैं उन नालियों में पानी ऊपर तक भरा हुआ है, पानी में गंदगी है और ये नाली जाम हो रखी हैं। सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों के हाल बेहद बदहाल हैं। आप यहाँ देखिए सड़कों पर कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, काफ़ी सारी समस्या यहाँ पर रहने वाले लोगों को हो रही है, चाहे तो फिर वो पानी की समस्या हो, चाहे तो फिर वो यहाँ की रोड पर सफाई की व्यवस्था हो। आइए हम यहाँ की आम जनता से बातचीत करते हैं और क्या कुछ तमाम उनको परेशानियाँ यहाँ पर हो रही हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाली का पानी आता है, नाली का पानी पीते हैं, क्या करें, कीड़ों से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी है लोगों की। कब से ऐसा पानी आ रहा है, कब से क्या हो, काफ़ी साल हो गए, कंप्लेंट भी कर दी कई बार, पाइपलाइन डाल देते हैं थोड़े दिन सही रहते हैं फिर वही पानी वही। और सड़क पे जो गंदगी के हालत हैं कभी कोई सफाई करने नहीं आते हैं, लेकिन पैसे देने पड़ते हैं उनको, पैसे लेते हैं सफाई के क्यों नहीं लेते, पैसे लेते हैं सफाई करने के, कहते हैं पैसे दो तो सफाई करेंगे, पैसे दोगे तो कूड़ा उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। क्या कुछ समस्या है, समस्या सारी है, यहाँ पे पानी नहीं आता ढंग से, पानी भरा रहता है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी पूरे पानी भर जाएगा, और सफाई कर्मचारी आते हैं हल्का काम करते हैं वापस चले जाते हैं, और अभी भी बाहर बैठे हुए मिलेंगे वो, मतलब अंदर आकर के सफाई नहीं करते, सफाई करते हैं सिर्फ नाम के लिए सफाई करते हैं, वो अपनी ड्यूटी सिर्फ पूरी करते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस चले जाते हैं। आपने अभी भी वीडियो बनाई देखा होगा, यहाँ पे पूरा कचरा भरा हुआ है, और ऐसे में पूरे में कचरा मिलेगा आपको भरा हुआ पूरी झुग्गियों के अंदर। पानी क्या वक्त पर आता है, पानी तो खैर कहीं टाइम पर आता है कहीं नहीं आता है, कहीं कहीं जो आए आ जाता है टाइम पर, कहीं जो आए उतने दूर जाते हैं पानी लेने के लिए, पानी भी नहीं आता, अभी 3 दिन तो पानी ही नहीं आया, हम लोग इतने परेशान हुए हैं कि क्या बताएं। यहाँ की पुलिस ऐसी है, बिना किसी मतलब की गलती के या बिना किसी कांड के पुलिस वाले यहाँ पे उठा रहे हैं, और उठा के सीधा ले जाते हैं, अंदर नहीं ले जाते, बाहर उनका वो ग्राउंड बनाया वहाँ गाड़ी जहाँ पार्क होती है वहीं रखते हैं, वहाँ पे पैसे मांगते हैं, पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन कोर्ट में वहाँ पेश करेंगे और कोर्ट में यही चीज़ पेश करके 1000 रुपये वहाँ लगने हैं, और नहीं वहाँ नहीं देना तो आप रात के टाइम जब भी ले जाएं तो उनको पैसे दे दो बस छूट जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत है पुलिस की है, और झुग्गियों के अंदर सबसे ज़्यादा वो सिर्फ झुग्गियों में परेशान कर रखे हैं। लाइटिंग साफ नहीं होती रोड पर, बाकायदा मुच्छड़ 1 रुपया ले रहा है डेली, अगर जो नहीं देता पैसे उसे गालियाँ दे रहा है गंदी, इधर पे भी सफाई नहीं हो रही ना इधर हो रही है। कई बार मैंने बोला भी है यहाँ के प्रधानों को और उप प्रधानों को, सबको बोला मैंने, कहा भाई लेटरिन में पानी नहीं आ रहा, डिब्बे नहीं है, हैं सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है फिर भागना पड़ता है नेताजी सुभाष पैलेस, ये समस्या है जी। यहाँ पर नालियाँ भरी पड़ी हैं, बाहर कूड़ा भरा पड़ा है, निकलने की इतनी दिक्कत है, हद से ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम वोट डालते हैं तो उसका तो कुछ तो हमें लाभ मिले, हम सरकार को जिताते हैं या वोट डालते हैं तो उसका लाभ तो मिले, हम गरीब आदमी इस कीड़ा कचरा में रह के रहे। मुझे कैमरा लगवाना है इधर। कैमरे नहीं लगे आपके यहाँ पे? नहीं। अगर कोई जुर्म हो जाता है तो उस पर निगाहें नहीं रख सकती है सरकार? हाँ, यही तो दुकान है, चोरियाँ होती, लड़ाई झगड़े लोगन के होते तो कोई सामने नहीं आता ना, फिर कम से कम कैमरा काम तो देगा। झुग्गी वासियों की मांग है कि इनकी झुग्गियों में कैमरे लगाए जाएं। दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली के तमाम इलाकों में कैमरे लगवा रही है, लोगों का ये कहना है कि झुग्गियों में भी कैमरे लगे, जो अधिकार अधिकृत कॉलोनियों को है वो अनधिकृत कॉलोनियों को भी मिले, जिससे कि कॉलोनी में चोरी और अपराध पर नजर रखी जा सके और समस्याएं लोगों को ना हो। रात दिन गुंडा फिर रहे, लात मार रहे, कुंडी लगा रहे,
और का, और नाली घसाप नहीं रहा, कीड़ा अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा। जब चुनाव आते हैं ना तो सब हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं चुनाव लेकर, वोट जीत के बैठ जाते हैं। टॉयलेट है जो साफ नहीं होते बिल्कुल भी, लैट्रिन कितनी गंदी है कि जाओ तो बैठने का मन नहीं है, आधी बीमारी घर आ जाती है। कुंडी नहीं है, दरवाजे नहीं है, नीचे से लेडीज जाती, लेडीज की टॉयलेट भी टूटी पड़ी हुई है। जब वोट आता है तो सब कुछ हाथ जोड़ते हैं, फिर अपना जुड़वाते हैं, यही कहते हैं। समस्या बहुत है झुग्गियों में, कीता उठा दे, कीता यहाँ समस्या हटा दो, कीता तोड़ दो, नहीं तो फिर अच्छी बना दो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनता के लिए काफी सारी समस्याएं खड़ी इस वक्त हो गई हैं। ना ही तो कैमरे हैं, ना ही तो नालियां साफ की जाती हैं, हाल और लोगों को जलजमाव के बीच में, समस्याओं के बीच में जीना पड़ रहा है। लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर खड़ी हो गई है। देखने का विषय ये होगा कि समस्याओं को लेकर के सरकार क्या समाधान करती है। इसी के साथ इस न्यूज़ पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, पीतमपुरा।